कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने के लिए मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। इस संघर्ष को और इस विजय को अब पूरे 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल पूरे होने के बाद पूरा देश कारगिल के उन शहीदों को नमन कर रहा है और नमन कर रहा है उन वीर जवानों को जिन्होंने पाकिस्तानी सेना और उनके घुसपैठियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। सेना के कड़े परिश्रम और बलिदान का ही नतीजा था कि पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा हथियाई हुई जगह को वापस भारत के नियंत्रण में ला लिया गया था। सेना के इस बलिदान को याद करते हुए अमरावती स्थित एनसीसी बटालियन के कार्यालय में भी उन वीर जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई और कारगिल युद्ध की 20वीं बरसी पर देश ने कारगिल के वीर जवानों को याद किया और उनके बलिदान व उनके संघर्ष को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को सलाम किया। अमरावती स्थित एनसीसी बटालियन के कार्यालय में कारगिल युद्ध के साक्षात गवाह बने वीर जवान ने अपनी आपबीती सुनाई और वहां प्रशिक्षण लेने वाले छात्र छात्राओं को बताया कि कारगिल युद्ध में किस तरह जवानों ने कड़े संघर्ष के बाद अपने वीरता की गाथा लिखी थी। उस इलाके की 5220 की रेकिंग करना शुरू किया। 5220 वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। पहली बार हमने देखा 5220 में तकरीबन 20-22 लोग वहां पे घूम रहे थे। तब तक पता चल गया था कि ये सारे के सारे नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के रेगुलर आर्मी के जवान हैं और 20-22 जवान को इसका मतलब है कि वो तो फिर पीछे की तरफ यानी कि 5220 के फर्दर नॉर्थ वहाँ पे उनकी काफ़ी हरकत चल रही थी। इसका मतलब वहाँ पे भी उनके शायद 1 या 2 बंकर थे। तो हमने ये अनुमान किया कि वहाँ पे तकरीबन उनके 6 बंकर है, शामिल उनका बीच वाला कमांड पोस्ट, और 6 बंकर के लिए फिर हमने हमारा प्लान बनाना शुरू किया। प्लान ये था कि एक टास्क फोर्स नॉर्थ से जाएगी, 5220 के नॉर्थ से जाएगी। 5220 के नॉर्थ का रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैप के ऊपर ये रास्ता बहुत ही कठिन है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल खड़ी उतरा थी, खड़ी घबरा थी वहाँ, और वहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल था और उस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जवान हमारे तगड़े हैं, वो कर पाएंगे। एक टास्क फोर्स जो टैक्सी नदी है, टैक्सी लुम्पा जो आप देख रहे हो वहाँ पे, टैक्सी नदी के साथ में उसने जाना था और उसने वेस्ट से जाना था, करेक्शन ईस्ट से जाना था, और मुझे टास्क मिला था कि ये जो रिंग कंट्रोल है, रिंग कंट्रोल और पीपल के बीच में मैंने अपना फायर बेस लगाना। इस अवसर पर एनसीसी बटालियन में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों ने अपने कर्तव्य भी पेश किए।
इसके साथ ही किसी भी वक्त युद्ध और दुश्मनों के आक्रमण से निपटने के लिए विद्यार्थियों ने अपनी तैयारियां भी व साथ में दुश्मन को मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए किस तरह घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है, इसकी कुछ झांकियां भी इस अवसर पर पेश की गई। जो कैम्प अरेंज केला गेला तो इट महाराष्ट्र बटालियन ने अरेंज केलेला आहे। फोर्ट गर्ल्स महाराष्ट्र बटालियनचा कैम्प होता आणि हा कैम्प जवळपास 18 तारखेपासून तर हा 26 तारखे 27 तारखेपर्यंतचा हा कैम्प, यामध्ये एक चांगला इव्हेंट म्हणजे विजय दिवस साजरा केला गेला, कारगिल डे ज्याला आपण म्हणतो। हा कारगिल दिवस जो कारगिल या ठिकाणी युद्ध लढला गेला भारत आणि पाकिस्तान याच्यामध्ये, तो विजय दिवस म्हणून आज आपण इथे साजरा केला होता। या अनुषंगाने इथे जे सम्मिलित जे काही कॅडेट्स झाले होते त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे त्यांचं प्रेझेंटेशन इथं केलेलं आहे आणि त्यात विविध प्रकारचे त्यांनी डान्स जे कारगिलशी निगडीत आहेत। सगळ्यात मुख्य आकर्षण म्हणजे ब्रिगेडियर संग्राम दळवी साहेबांनी जे आम्हाला एक घंट्याचं लक्ष दिलं की जे स्वतः त्या कारगिलच्या युद्धामध्ये सक्रियतेने सहभागी त्यांचा होता, त्यांनी संपूर्णपणे त्याच्या सर्व इतिहासाबद्दल आम्हाला एक घंटा तब्बल एक घंटा त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं।